हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है एंड इट्स करंटली 12 डिग्रीज आउटसाइड। फाइनली विंटर आ चुका है और थोड़ा विंडी सा भी है, इसलिए आज हुडी पहननी पड़ी। और एक चीज़, हम लोग जा रहे हैं हैमिल्टन, और क्यों जा रहे हैं हैमिल्टन वो आपको उधर पहुंच के या फिर रास्ते में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। और आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़। अगर मैं दो बार आया था और तीसरी बार आया हूँ, और फाइनली आज मुझे सनसेट डोनट से डोनट मिले हैं। सो क्योंकि यह जल्दी उठा। और सीरियसली इट्स रियली वर्थ द हाइप। सनसेट डोनट का सही में ऑसम है, रियली फकिंग डिलीशियस। तो आपका सभी का बर्लिंगटन टूर एंड गाइड सर्विस में स्वागत है। आप अपने राइट साइड जो देख रहे हो वो बर्लिंगटन बीच है, और लेफ्ट साइड जो देख रहे हो वो घर है। जो देख जैसे दिखने में घर दिख रहे हैं, सो वो तो मेरे को पता नहीं की जरूरत नहीं है। ये सबसे फेमस बीच है, और मैं सीख रहे आपको सही से दिख रहा होगा कि दीज आर कलर्स ऑफ फॉल। तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और आज इतना बिजी है तो पार्किंग भी हमको बहुत टाइम बाद मिला। सो हम कहाँ आए हैं वो पार्किंग की, सॉरी मैं पार्किंग का पैसा पे करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग आए हैं हैमिल्टन रीजन में, और इस जगह का नाम है टिफनी फॉल्स। अगर आपको टिफनी फॉल्स के बारे में जानना है, उसकी लिंक और पूरी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके पढ़ लेना। और हम लोग यहाँ पे पहली बार आए थे समर में लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन था, और इस टाइम अब आए हम लोग फॉल में। और समर और फॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस जगह में, क्योंकि समर में सब ग्रीन ग्रीन होता है, और फॉल में तब देख सकते हो कितने सारे कलर्स हैं।
देखा एक अच्छा शॉट लेने में क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको ये वाला शॉट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पॉज करके पीछे वाली फ्रेम पॉज करके आप देख सकते हो कि टिफनी फॉल्स क्या है और कहाँ पे है और इसके अराउंड में क्या क्या है। और मैं फॉल्स के नीचे भी कभी आ चुका हूँ। सो वो लोग अभी आगे जा चुके हैं और रास्ता यूजुअली वहाँ से होके जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सीन अच्छा लगा यहाँ से तो मैं थोड़ा बहुत स्टॉक फुटेजेस लेने के लिए मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ। और आप देख सकते हो कलर्स यहाँ का, सच में जो फॉल वाइब है ना वो बहुत ही अच्छी है। और आप कहीं पे भी नज़र डाल लो सारी जगह आपको फोटोजेनिक लगेगी, और इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं यहाँ पे फॉल में, स्पेशली कनाडा में, आप बात ही मत करो उसकी। तो यार अभी मैं स्ट्रगल करके उन लोगों तक पहुँचता हूँ और फिर आप लोगों को मिलता हूँ, तब तक आप व्यू एंजॉय करो। याद है वरुण, हमने एक बार यहाँ पे व्लॉगिंग करना ट्राई किया था एक साल पहले इधर से ही स्टार्ट हुआ था। वो वीडियो की क्लिप्स दिखाएंगे पार्क अगर होगी तो। हाँ, अगर मेरे पीसी में अभी भी है। हाँ, उसके पीसी में अभी भी है। हम दोनों ने ऐसे ही कैमरा उठाया था और ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया था हम दोनों ने। किसको पता था क्या व्लॉगिंग होगा, लाइक आज चैनल होगी पार्क। उस टाइम सोचा भी नहीं था कि हम यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, और आज हमारी चैनल भी है और अच्छे खासे आप गिने चुने सब्सक्राइबर्स भी है। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही, आप लोगों का साथ रहा, तो और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में शेयर करना, फैमिली फैमिली वालों में भी शेयर करना। क्या ना ना ना, वो तो चालू है, ये वीडियो अभी यहाँ पे एंड नहीं होने वाला, वो तो आपको टाइमलाइन देख के पता चल जाएगा। और एक चीज़, आज आपको ये वीडियो में एक और नया चेहरा दिखने को मिला होगा, और उसका नाम है वृंदा, और वो भी हमारी हाउसमेट है, अभी अभी इंडिया से आई है। सो वृंदा, दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड गाइज सी इज वृंदा। हेलो गाइस, कुछ कहना चाहते हो? यूज्ड टू बी, हमेशा कमेंट करती रहती थी। हम फॉल से निकल चुके थे और एक और फॉल्स जा रहे हैं, उससे पहले हमने चाय कॉफ़ी ब्रेक लिया है। तो अब सिटी में आए हैं चाय और कॉफ़ी लेने के लिए, और उसके बाद हम वापस से एक और फॉल्स पे जा रहे हैं। हैप्पी सो रास्ते में फ्रेश दिख गया, और पायल को कितने टाइम से फ्रेश खाना था, सो फाइनली टुडे शी इज हैविंग फ्रेशी आफ्टर सो लॉन्ग फ्रेश। दूसरे फॉल्स पे आए हैं, और उसका नाम है सैल्मन फॉल्स, टिफनी फॉल्स, उससे 2 किलोमीटर ही दूर है। तो बेसिकली ये समझ लो कि जो टिफनी फॉल्स है वही पानी ये वाले फॉल्स में आता है, टिफनी फॉल्स इससे ऊपर है। हम गाड़ी लेके थोड़ा नीचे आ गए, अभी हम उधर जाएंगे, फिर नज़दीक से आपको दिखाता हूँ मैं। और ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है, राइट नाउ इट्स 7 डिग्रीज हियर, बहुत ठंड बढ़ चुकी है। और ये देखो जंगल के बीचों बीच फ्रेशी का मजा लिया हुआ जा रहा है, घुस रहे हैं। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, और यू नो आईफोन की वीडियो क्वालिटी, लो लाइट परफॉर्मेंस, बहुत बेकार है आईफोन का। तो या अभी हम लोग पार्किंग की ओर बढ़ रहे हैं, और फिलहाल आगे का भी कुछ सोचा नहीं है, वो तो आपको गिरते गिरते बच गया, वो तो आपको आगे जाके ही मालूम पड़ेगा। तो या
मटन तंदूरी फ्लेम में। ब्रैम्पटन तंदूरी फ्लेम में और शायद पेंडेमिक के पहले हम लोग गए थे ब्रास्को बफे के लिए और आफ्टर द पेंडेमिक एक साल बाद हम फिर से बफे करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन था तो ये फिरनी है, ये खीर है और गुलाब जामुन पालक कढ़ाई पनीर नहीं पालक पनीर एंड छोले चना एंड पानीपुरी चाट पापड़ी एंड वृंदा हरी चाट पापड़ी हरी गढ़ चाट पापड़ी और एक चीज ये बियर नहीं ये जिंजर एल है। गूगल कर लेना जिंजर एल क्या है पता चल जाएगा।